हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार अपनी साख बचाने के लिए अफसरशाही पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। राज्य के 18 अफसरों के तबादलों पर हमीरपुर के आम लोगों का कहना है कि ये तबादले साफ संकेत करते हैं कि सरकार ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क परिवहन व्यवस्था पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में हो रहे वो सिरमौर के सड़क हादसों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है। देवभूमि में हत्याएं, बलात्कार इत्यादि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था चौपट होकर रह गई है। ऐसे में सीएम अब कहीं पुलिस व अन्य विभागों में भी बदलाव के रास्ते पर चल सकते हैं। एक ऐसे वक्त के ऊपर एक ऐसा सवाल किया है जिसे इस वक्त हमारे जितने भी हिमाचल प्रदेश के ऑफिसर्स जिन्होंने बरसों हिमाचल प्रदेश की सेवा करी है, विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, उनको ऐसी खलबली मचा दी है जिसे उनमें एक अपना जो अविश्वास कह सकता हूं मैं कि इस गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर्स के ऊपर ही विश्वास नहीं है। कोई ऑफिसर अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहा है कि यानी कि इस सरकार में हम अपना जो उनका कोई भी दायित्व उनको दिया जाता है उसको कितनी देर तक निभा रहे। जब तक ऑफिसर अपने आप को वहाँ क्लाइमेटाइज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तब तक उसकी तब्दीली कर दी जा रही है। और ये मुख्यमंत्री की ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा सारी भाजपा की ही एक बड़ी अपना जो कमज़ोरी नज़र आ रही है सरकार में, यानी कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी अगर अफसर अपने ऑफिसर के साथ अगर ये ऐसा बिहेव करते रहे। क्योंकि जिस मालिक को, जिस सरकार को अपने ऑफिसर्स के ऊपर विश्वास नहीं है, वो सरकार अपने जितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना ले, जितने अच्छे प्रोग्राम्स बना ले, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इज ओनली विद ऑफिसर्स। मैं कहता हूं जैसे सरकार को जो है स्टाफ चेंज करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो है सरकार एम्प्लॉय उसे काम मिलना चाहिए, और सरकार को जो है वो चेंज करने से जो कुछ नहीं होगा बल्कि ठोस कदम जो है उठाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि एम्प्लॉय तो वही काम दूसरी जगह जाएंगे, पोस्टें वही रहेंगी, काम तो वही करेंगे, तो इसलिए ये सरकार को जो है वो इसके कानून व्यवस्था के बारे में जो ठोस कदम उठाना चाहिए, क्राइम को रोकना चाहिए, जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, बल्कि उसको रोकना चाहिए सरकार को जो है, तो इसलिए मुख्यमंत्री को ठोस कदम उठाना चाहिए। ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा अभी सर, स्टाफ बदलने से तो कुछ नहीं होगा, इनको तो पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि सूझबूझ से काम लिया जाए तो काफ़ी हद तक ये हो जाएगा, ये सुधरेगी नहीं, ये और बिगड़ जाएगी, ये कानून व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि जरा मुख्यमंत्री तरफ भी ध्यान रखें, बदली करने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि बदली ये करने से कुछ नहीं होगा, पर सूझबूझ से काम लें और मानसिकता से काम लें, तब बड़ा कुछ हो सकता है। ऐसा है प्रदेश में दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से एक एक घटना घटती जा रही है, जैसे कि कसौली कांड, कुरिया रेप कांड, ऐसे कई घटनाएं घट चुकी है, और इसमें सरकार बिल्कुल विफल रही ऐसे घटनाएं रोकने में। मैं समझता हूँ ठीक है स्टाफ बदले हैं उन मुख्यमंत्री जी का, ये अपने निजी विचार हो सकता है, लेकिन मेरा अपनी विचार अगर है तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टाफ बदलने से की जगह उनकी कार्यप्रणाली को सुधार किया जाए, और कार्यप्रणाली में एक पारदर्शिता होना चाहिए और वो काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, जो भी कानून व्यवस्था है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी मेरे ख्याल में ये सारी व्यवस्था जो है सिर्फ स्टाफ नहीं उसके साथ ये व्यवस्था तभी सुधार होगा। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्टाफ बदलने से पूरा हिमाचल बदल जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कोई बड़ी ये अजीब सी बात है कि स्टाफ बदल जाने से पूरा प्रदेश की कानून व्यवस्था बदल जाएगा, तो उसके लिए मतलब कार्यप्रणाली को बदलना पड़ेगा, स्टेप स्टाफ बदलने से नहीं चलेगा।